एसपी साहब, थाना प्रभारी को हटा देना मतलब इस तरह के भय के वातावरण से मुक्त हो सकता है क्या? इस तरह के वातावरण दहशत के फैला या फिर कैसे स्थापित होगा सुशासन? उस समय भ्रष्टाचार आपको नजर नहीं आ रहा, उस समय सब कुछ सदाचार था, राम राज था, और अभी आप अलग हो गए, रावण राज हो गया। तो अगर बोलेंगे नहीं तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको कैसे माना जाने लगे? इसके पहले कोई अस्तित्व तो था नहीं, स्पीकर बन गए थे, नहीं बोलेंगे तो रिकॉर्ड जो है खराब हो जाएगा। इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है, आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बिहार में पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब तो और भी ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं। खास करके जिस तरीके से बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, उससे भी अब सब लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ लगातार हो रहे आपराधिक वारदात के कारण पूरा गाँव से लेकर के शहर तक जो है वो दहशत में है। ताजा मामला बीजेपी नेता की हत्या का है, समस्तीपुर के खानपुर थाना इलाके का है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता रघुवीर कुमार जो कि स्वर्णकार थे उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। अब इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। विजय सिन्हा खुद समस्तीपुर गए थे जहां पर वो बीजेपी नेता के घर गए जिनकी हत्या कर दी गई, उनके परिजनों से मिले और वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले एसपी को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुनिए। एसपी साहब, हाँ, आवाज आ रही है आपकी? नहीं, ये अभी जो घटना घटी है खानपुर में, हम आए हुए हैं रघुवीर जी के यहाँ। ये मामला एसपी साहब, एक साल पहले ये घटना घटित हुआ, अपराधी पकड़ाया, ये लोग कह रहा था, वो धमकी दे के भी गया कि निकलेंगे बाहर तो मार देंगे, और इस घटना में कोई सावधानी नहीं बरती गई, मतलब और उस तरह के भ्रष्ट जो थाना प्रभारी है उसके विरुद्ध भी बताया जा रहा है, उसके बाद भी उसका यहाँ से ना हटाना, ये तो पूरा मामला लगता लांड गए इस तरह की हत्या का निमंत्रण। थाना प्रभारी को हटा देना मतलब इस तरह के भय के वातावरण से मुक्त हो सकता है क्या? इन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था के साथ साथ ये पूरी घटना चक्र में उनकी इन्वॉल्वमेंट और कौन भ्रष्ट पदाधिकारी इस तरह के मामला में इन्वॉल्व रहा उस पर तो नहीं कार्रवाई हो इसे लोगों पर? और एक बार आप अपने से आकर करके मिलना चाहिए कि ये घटना बताइए, साल भर पहले जो आदमी मतलब इस तरह के है, क्या नाम है जी उसका जो पकड़ाया था, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद गुलाब, इस तरह के वातावरण दहशत के फैला गया, फिर कैसे स्थापित होगा सुशासन? मैं कहा यहाँ पर तो आपके बारे में तो नहीं बताया क्या है? आप एक बार परिजन को आकर के इसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप लीजिए, और अगर जो कोई घटना घटित होगा एसपी साहब तो हम खुद आकर के यहाँ बैठेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीरता से है कि ऑलरेडी साल भर पहले ये घटना घटित होता है, अपराधी धमकी देके जेल जाता है और आपके थाना प्रभारी उसको संरक्षित करता है और इसी के ऊपर उल्टे से प्रेशर डालता है, इसका बेटा नौकरी करने गया है उसका नाम डलवा देता है और उसके बाद कंप्रोमाइज करवाता है, ये सब अति हो गया है, आप दिखवा दीजिए इसको अपने स्तर से। जब ठीक है आप इसको दिखवा करके हमको कल पूरा डिटेल एक बार फिर हम बात करेंगे आपसे। तो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया विजय सिन्हा ने जो कि नेता प्रतिपक्ष है बिहार के अब, और इसको लेकर के तमाम तरह की बातें भी कही जो आपने सुनी। अब राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी विजय सिन्हा पर बड़ा बयान दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अभी तुरंत बने हैं नेता प्रतिपक्ष, इसलिए इसके पहले कोई अस्तित्व तो था नहीं, तो कुछ ना कुछ उन्हें कहना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बोलेंगे नहीं तो मान्यता कैसे मिलेगी नेता प्रतिपक्ष का? बिहार की राजनीति में कुछ दिखाई नहीं देता उनका,
इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार नजर नहीं आता था, आज अलग हो गए हैं तो भ्रष्टाचार दिखने लगा है। और क्या कुछ कह रहे हैं शिवानंद तिवारी, आप सुनिए। अगर बोलेंगे नहीं तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको कैसे मान्यता मिलेगी। अभी भारत सरकार ने उनको तुरंत तुरंत बनाया है, इसके पहले कोई अस्तित्व तो था नहीं, स्पीकर बन गए थे, इसके अलावा तो और कोई मैंने बिहार के राजनीति में उनका कोई कुछ दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए नीतीश कुमार का दिखाई देता है, नंद किशोर का दिखाई देता है, एक बात समझ में आती है। अब इनका विजय जी का या सम्राट चौधरी का भी तो मैंने पॉलिटिकल रियरिंग जिसको कहते हैं वो तो राष्ट्रीय जनता दल से ही हुआ। तब इन लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनको नेता बनाया है, इनका दर्जा दिया है। अब अपने आप को साबित करने के लिए रोज कुछ न कुछ बोलना है इनको, नहीं बोलेंगे तो रिकॉर्ड जो है खराब हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है, वो अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। कल तक जो है इसी सरकार में थे आप, आपके लोग जो है इसी सरकार में मंत्री थे, उस समय भ्रष्टाचार आपको नजर नहीं आ रहा था, उस समय सब कुछ सदाचार था, रामराज था, और अभी आप अलग हो गए तो रावण राज हो गया, ये सब चलता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन इसमें जान जाने वाले लोगों की जान चली जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, नामिका को दीजिए इजाजत, नमस्कार।